मेरठ मेडिकल कॉलेज की लापरवाही का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खुद कोविड 19 वार्ड में भर्ती मरीज बता रहा है कि कोविड 19 वार्ड में मरीजों की हालत चिंताजनक है। इस वार्ड में मरीजों को ना तो समय से दवाई दी जा रही है और ना ही उनकी देखभाल हो रही है। इतना ही नहीं, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कोरोना से मौत होने के घंटों के बावजूद मृतक के शव को वार्ड से नहीं हटाया गया और वार्ड में भर्ती उपचाराधीन मरीज शव के साथ वार्ड में रहने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, यह व्यक्ति बता रहा है कि जब इसकी तबीयत बिगड़ी तो उसने मेडिकल कॉलेज में संपर्क किया, लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने की जगह उसे दवाई देकर मेडिकल कॉलेज से ही टरका दिया। इतना ही नहीं, उसका कोरोना टेस्ट तक नहीं किया गया। अपनी हालत बिगड़ती देख इस व्यक्ति ने प्राइवेट लैब में अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जहां उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस उसके घर से लेकर मेडिकल कॉलेज आई और उसे लावारिस की तरह छोड़ दिया, जहां वो घंटों तक मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड की बिल्डिंग के गेट पर पड़ा रहा। फिर किसी तरह घंटों के बाद वो खुद हिम्मत जुटाकर ऊपर कोरोना वार्ड में पहुंचा, जहां देर शाम उसे एडमिट किया गया, लेकिन अब भी उसकी हालत में सुधार नहीं है और उस समेत अन्य मरीजों की सुध लेने वाला भी यहां कोई नहीं है। गौरतलब है कि कल मेरठ मेडिकल कॉलेज के कोविड 19 वार्ड में कोरोना पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट नगर के बनवारी वाटिका निवासी पदम सिंह की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज की कारगुजारियों के कुछ वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं, जिसमें एक व्यक्ति को ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। हालांकि वीडियो वायरल करने वाले युवक के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत परेशान हूँ, मेडिकल से मेरा इलाज चल रहा था, तवज्जो नहीं दी गई कुछ भी। 6 तारीख में आया, उसके बाद मुझे दवाई दे के वापस कर दिया। उसके बाद मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई तो बड़े भाई ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, तो रिकॉर्ड में भी होगा, फ़ोन नंबर था 84 45 22 45 01। यहाँ से एम्बुलेंस नहीं गई। उसके बाद मुझे जब ज़्यादा दिक्कत हुई, मैंने बाहर से टेस्ट कराया। उसके बाद मैं फिर दोबारा भर्ती होने के लिए आया, दोबारा भर्ती नहीं कराई इन्होंने, वापस कर दिया मुझे दवाई देके। मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर मुझे एक कल उठा करके ले करके आए हैं, और कल पहले खरगोदा ले गए, वहाँ से फिर वापस कर दिया, फिर मुझे यहाँ मेडिकल में ले गया। 3-4 घंटे मुझे वहीं गेट पर पड़ा रहा, मैं किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। धूप में कैसे कैसे करके मैं ऊपर चढ़ा, 1-1.5 घंटे में ऊपर चढ़ा गया, 1/2 घंटे बैठ बैठ के लेट लेट के। उसके बाद मैं वहाँ पड़ा रहा, कोई परेशान हाल नहीं। उसके बाद 3-4 बजे के करीब इन्होंने जो है अंदर लिया मुझे। उसके बाद से अब तक जो है कोई किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, 2 गोली दी हैं बस, अब तक ऑक्सीजन लगा दिया, कोई पूछने नहीं आ रहा, सब परेशान है। और गंदगी बहुत ज़्यादा है, ये पड़ोस में एक डेथ और पड़ी हुई है, ये देख लीजिए, अभी बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती कह करके जो है इन पे चादर डलवाई है, इन्हें यहाँ से उठा नहीं रहे हैं। इनका नाम पदम सिंह है, पीटी नगर के रहने वाले हैं ये, और यहाँ जितने भी और मरीज़ हैं सब परेशान आ रहे हैं, किसी की कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा। दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से जो है आते हैं, दवाई दूर से फेंक के चले जाते हैं। एक हमारे बुजुर्ग इधर भी बैठे हुए, भी देख लीजिए, ये सुन लीजिए मेरी, हमारे जितने मरीज हैं सबका जो है एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी जिला अधिकारी हैं, प्रशासन है, DM है, CM है, SHO हैं,
सर से हमारी दरख्वास्त है, प्लीज हमारी मदद करें, बहुत परेशान हूँ, कोई हमें देखने वाला नहीं है, आप प्लीज हाथ जोड़ के विनती कि आप हमारी मदद करें, हमारा सही से ट्रीटमेंट चलाए, इलाज कराएं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ आदिल रहमान, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।